गुलबर्गा शहर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ चुका है सिफान लोकेशन कैफेटेरिया। अगर आपको टेस्टी खाना खाना चाह रहे हो तो एड्रेस है सिफान लोकेशन कैफेटेरिया। अगर आपको वंडरफुल सी एम्बियंस हो तो फिर है सिफान लोकेशन कैफेटेरिया। चाहे आपको प्राइवेट स्पेस हो या फिर गर्ल्स के लिए स्पेशल सेक्शन, तो लोकेशन कैफेटेरिया आपके लिए है तैयार। पहली बार गुड़गांव शहर में सिफान लोकेशन कैफेटेरिया ला रहा है आप सबके लिए एक ऐसी कैफेटेरिया जो खास तौर पर लड़कियों के लिए क्रिएट की गई है। ये आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियों के लिए उतनी प्राइवेट स्पेस नहीं मिलती, जिसकी वजह से लड़कियां खास तौर पर बाहर नहीं निकलती, कैफेटेरियाज को अगर जाती नहीं। लेकिन यहाँ पर लोकेशन कैफेटेरिया में बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइवेट सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पर लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। खास कर यहाँ पर फीमेल स्टाफ रखा गया है लेडीज़ के लिए। खास बात यह है कि इसका इनॉग्रेशन हुआ है जनाब अब्दुल समद साहब सालरजंग, जो कि वालिद साहब हैं मोहम्मद आरिफ जुनेद सालरजंग और मोहम्मद आजम जिलानी सालरजंग के। सिराज बाबा यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स भी दी और यहाँ पर टेस्ट भी किया है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा उनको और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की। यहाँ पर एम्बियंस की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ने के लायक बहुत सारी किताबें यहाँ पर मिलेंगे, खेलने के लिए इंडोर गेम्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपको खूबसूरती से आप अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एम्बियंस यहाँ का बहुत ही ग्रेट है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, चाहे जिसमें शामिल है पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, टोर्टिला रैप, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, लोकेशन फ्राइड चिकन यहाँ की जगह स्पेशल है, साइड्स, सैंडविचेस, आइसक्रीम्स, मॉकटेल्स, क्रश मिल्क शेक, क्रश थिक शेक्स, कॉफी, कोल्ड ब्रू और भी बहुत कुछ। यहाँ पर चाट भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर आप ढेर सारे चाट भी खा सकते हैं। और खास बात की ये है कि पर डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से लोकेशन बनाया गया है। ब्राइड टू बी की पार्टी, सेंड ऑफ पार्टीज, कोई भी सेलिब्रेशन हो, लोकेशन कैफेटेरिया आपके लिए तैयार है। और खास करके कैंडल लाइट सेलिब्रेशन के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया है। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें सिफान लोकेशन कैफेटेरिया। याद रखिए ऑफर चल रहा है 13 फरवरी तक, 300 के अबव अगर आपका बिल होता है तो आपको एक मोजिटो फ्री मिलेगा, अगर 500 के अबव आपका बिल होता है तो दो मोजिटोस आपको फ्री मिलेंगे। एम्बियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ का नाइट व्यू लाजवाब है, खास करके जो हार्ट डेकोरेशन है नाइट व्यू के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ज़रूर आप यहाँ पर विजिट करिएगा और यहाँ पर ओपन डाइनिंग भी करिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर महसूस होगा। खास बात यह है कि गुलबर्गा की आवाम के लिए कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको सिफान कंपनी से मिलकर आप इसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, फ्रेश आइडियाज़ आपके पास रहते हैं, फ्रेश सेटअप आपके साथ सामने शामिल है और लोकेशन कैफेटेरिया के साथ आप मिलकर, सिफान के साथ मिलकर आप आगे बहुत कुछ काम कर सकते हैं अपने स्टार्टअप आइडियाज़ के साथ। ज़्यादा जानकारी इस बिजनेस के लिए आप स्क्रीन पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिए एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर बिसाइड बसवा पीयू कॉलेज, जयनगर सर्कल, नियर खरके सर्कल, सेडम रोड, कलबुर्गी। कॉल 9380774289 या फिर 7411520282। ऐसा अल्लाह से दुआ करी है कि अल्लाह बच्चों को खा पिया भी दे दे। बहुत जुस्तजो, बहुत मेहनत से किए हैं, उनकी दोस्तों की दुआओं से, हमारी दुआओं से, हमारे बड़ों की दुआओं से अल्लाह दोनों बच्चों को कामयाबी दे। लोकेशन कैफेटेरिया आज मोहम्मद आरिफ एंड आदम सालरजंग के तरफ से जो ओपन किया गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये लोकेशन कैफेटेरिया का एम्बियंस बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। आई होप ये सेकंड इनका वेंचर है जो बहुत ही अच्छा है, तो मैं यूथ्स को कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और इस एम्बियंस को और यहाँ के टेस्ट को ज़रूर इंजॉय करें। बहुत ही खुशी का मौका है और तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ मोहम्मद आरिफ सालरजंग को उनके नए कैफेटेरिया ओपनिंग पर। खुशी हुई यहाँ पर आकर और अच्छा भी लगा, एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से इनका पहला वेंचर सक्सेसफुल रहा है, उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि ये वेंचर भी अल्लाह ताला कामयाब बनाए,
यूथ्स का एक अच्छा कैफेटेरिया के तरफ क्रेज़ बढ़ रहा है गुलबर्गा में। जितने भी यूथ्स, जितने भी गुलबर्गा के डायनेमिक और क्रिएटिव यूथ्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से बिजनेस के मैदान में इसी तरह से आए, नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए। और एक मरतबा मोहम्मद आरिफ सालारजंग को मुबारकबाद देता हूँ लोकेशन कैफेटेरिया का। बहुत अच्छा लगा, एक क्रिएटिव तरीके से ये बनाए हैं। इससे पहले भी हम लोग जो सीफान बैठक जो है वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ का और यहाँ का हम देखेंगे तो ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ों को यूज़ किए हैं जो ज़्यादातर जो थ्रो करते हैं हम लोग, उन चीज़ों को ये अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से बनाकर एक अच्छा एम्बियंस बनाना, ये बहुत क्रिएटिव का काम है। तो लगातार हमारे यूथ्स में, गुलबर्गा के खासकर यूथ्स में, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में लोग आगे बढ़ रहे हैं। गुलबर्गे का नाम सिर्फ स्टेट में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और बिजनेस में, स्मॉल बिजनेसेस में और भी बड़े बड़े बिजनेसेस में हमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए। तो किस तरीके से आपने इसका सेटअप किया और क्या क्या आपको जो है ना इसके लिए यूज़ करने पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ऐसा मतलब पर्टिकुलर ऐसा कुछ यूज़ करने के लिए वेस्ट मटेरियल तो यूज़ नहीं करा मैं इस बार, तो इस बार सब कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब इधर स्टैंडर्ड लेवल पे गया, लास्ट टाइम पे जो वेस्ट मटेरियल था तो उसमें जो जो भी कर सकता था मैं उसमें क्रिएटिविटी करा था, बट इस बार क्या है हर चीज़ यूनिक लाया, सो एंटिक लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी है आपके सामने है, जो कैसेट्स है और एंट्रेंस अलग है, डिफरेंट है सबसे, और सबसे मेन थिंग ओपन डाइनिंग है, जो ओपन डाइनिंग गुलबर्गे में तो नहीं है कहीं पे भी, तो एम्बियंस इसका समथिंग डिफरेंट है, सबसे हटके है। यूनिक कलर्स भी आपने चूज़ किया है और काफ़ी कैबिन्स वगैरह भी बनाए हैं। जी, और टेरेस जो आपने डाइनिंग बनाया है इसका किस तरीके से आपको आइडिया? नहीं, आइडिया तो था, बहुत पहले से प्लान था मेरा कि ओपन डाइनिंग देना है और टेरेस पे बनाना है, उसकी बालकनी भी थी, तो जैसा मैं प्लान किया था वैसे ही सेम प्लेस जो है वो मिल गई मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हिसाब से कॉन्सेप्ट जैसा जैसा माइंड में आ रहा था वैसा ऐसा रेडी करते गए। कैफे तो काफ़ी है मगर आपका यूनिक कैफे है, मगर जो डिशेस वगैरह होंगे तो किस तरीके से? जी डिशेस बहुत सारे हैं, डिशेस के जो याद तो नहीं है मेरे को, उतने वैराइटीज है जैसे कि KFC है, KFC स्पेशल है जो हलाल KFC है, तो ये हलाल है, हराम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल है, कट करके हम लोग उसको मैरिगेशन वगैरह सब कुछ हम लोग सामने ठहर के जो जितने डेज होना था, शेफ़ है हमारे स्पेशल KFC के ही शेफ़, तो एक्सपीरियंस होल्डर है, बाहर से ही आए हुए हैं तो उनको ही रखे हुए पिज़्ज़ा। जी जी, बहुत सारे वेराइटीज़ है जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच और सारे जो फ्रेंच फ्राइज़ है आप देख सकते हैं, जो जो भी डिशेस है, मोजितोज है, कॉकटेल्स है, मिल्क शेक्स वगैरह जो भी, सब सारे वेराइटीज़ है मेन्यू में बता रहा हूँ ना मैं, तो बहुत सारे वेराइटीज़ है जो याद नहीं है, आप लोग आइए वहाँ, इंशाल्लाह आपको सारे वेराइटीज़ मिलेंगे, खाने में टेस्ट भी मिलेगा आप लोगों को। तो आप सबसे गुजारिश है कि आइए एक बार एम्बियंस के मज़े लीजिए, विज़िट करिए यहाँ पर। ये जो एड्रेस जो है नियर खरगे सर्कल है, जयनगर सर्कल, बिहाइंड बसवा पी ओ कॉलेज गुलबर्गा। पार्टीज़ वगैरह भी अगर? जी 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 हाँ, तो सारे सारे मेरे पास, ये भी अनाउंस करना था मेरे को, तो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ मेरे तरफ से फ्री है 13 फेब तक जी। और तकरीबन ऐसे कई चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ मैं कल से, आप लोग आइए, आप सबको मालूम होएगा कि क्या क्या जो मैं ऑफर्स रखा हूँ, कपल्स के लिए अलग है, फैमिली के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए स्पेशली, ये गर्ल्स सेक्शन है सारा, तो यहाँ पे इन लोग को ऑफर्स अलग है, बाय वन गेट वन, और कपल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऊपर फैमिली सेक्शन है, उन लोग के लिए भी फ्री डेकोरेशन वगैरह मैं प्लान किया हूँ, तो आप लोग आइए विज़िट करिए। जी हाँ, पूरा ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ मैं, इवेंट रखने वाला हूँ इंशाल्लाह उस दिन भी, तो सारे जो यूथ है गुलबर्गे के सारे सभी से अपील है कि आइए आप लोग एम्बियंस के मज़े लीजिए, उस दिन जो भी होगा इंशाल्लाह यूनिक ही होगा। अब कोशिश तो जितना कर सकता था मैं किया, जितना कैफ़े यूनिक बनाना था बना दिया, आप लोग आइए इंशाल्लाह आके मज़े लीजिए यहाँ पर। और मेन थिंग ये था जैसा कि आप लोग सब जानते कि मेरा लास्ट वेंचर जो फर्स्ट था सिफान बैठक है, और ये सेकेंड वेंचर है अल्हम्दुलिल्लाह सिफान लोकेशन नाम से है,
तो मैं फर्स्ट वेंचर में अनाउंस किया था कि सिफान एक्चुअल है क्या, मैं नेक्स्ट वेंचर में बोलूँगा, बल्कि जैसे कि सबको अनाउंस किया था। तो अभी कंप्लीट डिटेल्स तो मैं आप लोगों तक पहुंचाना नहीं चाह रहा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मेरा गुलबर्गी के लिए। जो भी यूथ है, जो भी परेशान है, उन सबकी परेशानी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर होने वाली है। जो मैं प्लान लाया हूँ बहुत सीरियसली, बहुत सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। तो अभी एक बेसिक है, उसके लिए मैं एक ये निकाला हूँ कि सिफान बैठक और सिफान लोकेशन के फ्रेंचाइजीज देने वाला हूँ। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह सब रजिस्टर हो गया है, तो सब आवाम से गुजारिश है कि आइए, आप लोग जो भी कंसल्ट करना चाहे तो मुझसे कंसल्ट करिए। तो फ्रेंचाइजीज का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपको कॉन्टैक्ट किस तरीके से किया जाए, क्या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स? हाँ, ये कैफ़े है या फर्स्ट कैफ़े जो सिफान बैठक बोल के हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पे भी है। जी हाँ जी, गूगल पे भी है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, तो आप लोग वहाँ पर भी सर्च करके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मुझ तक पहुँच सकते हैं आप। ऐसा मुश्किल का काम नहीं है मुझ तक पहुँचना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9380774289। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये दूसरा ब्रांच खुले गया है। आप सभी आइए, एक बार माहौल को देखिए, एम्बियंस देखिए, यहाँ पर क्या क्या क्रिएटिविटी करे हैं, सब चीज़ का आप लुफ्त उठाइए। हम दोनों भाइयों मिलके काफ़ी मेहनत करे हैं, जो हमारी पहली सिफान बैठक है इस पर भी मेहनत बहुत है हम दोनों भाइयों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमको पब्लिक का भी सपोर्ट बहुत है इसमें, और हमारे भाइयों का, दोस्तों का सपोर्ट बहुत है। तो जैसा हमको फर्स्ट वेंचर में सपोर्ट किए हैं, वैसे ही आप आइए, हमारे को सपोर्ट करिए, देखिए एम्बियंस देखिए, देखकर इसका एक लुफ्त लीजिए। सभी मेरे भाइयों का, रिश्तेदारों का, और मेरे माँ बाप का, दोस्त अहबाब का, चीफ गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन सब का। जैसे कि मैं अनाउंस किया अभी जस्ट कि इसकी फ्रेंचाइजीज देने वाला हूँ, तो ये तो फर्स्ट और सेकंड ब्रांच मेरा ओन है। ऐसा इसमें कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट, जो पार्टनरशिप है मेरा, जो भी प्लान है, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं, आइए मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। सबसे मैं जो भी डिटेल्स हैं फ्रेंचाइजीज के बारे में सब कुछ डिटेल्स बताऊँगा। फर्स्ट और ये जो सेकंड ब्रांच है वो ओन है, यही बताना था कि थर्ड वेंचर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगा। फ्रेंचाइजी जो भी होगा, ब्रांच होगा, आप लोगों के साथ ही होगा इंशाल्लाह। Thank you for watching GoHash. Like, share and subscribe our channel.